हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी के एग्जाम से। ठीक है, ये एग्जाम आपका सीजीएल लेवल का है जो आपका हुआ था 2 दिसंबर को। कौन से शिफ्ट में? शिफ्ट आई थिंक थर्ड। हाँ, थर्ड में हुआ था ये आपका। ठीक है, ओके। क्योंकि 2 शिफ्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आज थर्ड शिफ्ट के नंबर है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम मैथ का एग्जाम सोल्व करने वाले हैं कि किस तरह से इसके लॉजिक लगाए गए हैं आंसर क्वेश्चन आंसर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। देखो, 2 सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो ये दिया हुआ है, √3 √2। ठीक है, तो एरिया आपको बताना है, क्या एरिया होगा दोनों ट्रायंगल का। कुछ नहीं, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर तो होता है। ठीक है, तो साइड का स्क्वेयर कर दो, √3 का इधर स्क्वेयर कर दो, रेशियो में √2 का स्क्वेयर कर दो। तो इस तरह स्क्वेयर करोगे तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3:2। बिल्कुल सिंपल सा, छोटा आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि प्राइस प्रिंटेड ऑन बुक 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ओके। तो ये कोई पूरी कंप्लीट बुक है आई थिंक। हाँ ठीक है, तो इस पर क्या लिखा गया, 15% प्रॉफिट लिया गया। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है सीपी है, ठीक है सीपी है, उस पर एमपी जो लगाया गया 15%। 15% का फ्रैक्शन देख लो, 3/20 हो जाएगा। अगर सीपी 20 है तो 3 रुपये ऊपर लिया गया तो 23 हो जाएगा, राइट। बोला कि प्राइस प्रिंटेड जो एमपी है वो आपका इतना है, तो 23 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 942 के वैल्यू बराबर। और यहाँ से हम चेक करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2392। अगर मैं इसको अप्रोक्स मान लूँ, कितना, 943 के, तो यह कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2341 के बराबर हो जाएगी लगभग, बोला। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल कॉपी रुपये में, तो यहां से सीपी कितनी, 42। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 41 अपने अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 820 की। ठीक है, 820 की। और क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ पेपर ऑफ सिंगल कॉपी। तो यहां से क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर की कॉस्ट बतानी है, तो पेपर की कॉस्ट यहां पर है 15%। ठीक है, तब मैं कुछ नहीं निकालना, 820 का 15% फिर मैंने कितना हो जाएगा, 3/20। ओके, यहाँ से 1 मिनट, हाँ 3/20 वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कट कर दो, 2 से आपको ये कितना जाएगा, 4 और 1, और 41 × 3 सॉल्व करना, 41 × 3 कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, और 123 के लगभग अपना आंसर होगा। ठीक है, तो 123 के लगभग सिर्फ ये ऑप्शन में है, बाकी दूर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 100 मीटर की रेस है, ए जो हरा देता बी को 20 मीटर से, ओके, बी सी को फिर 20 मीटर से हरा देता है। ठीक है, ओके। अगर मैं मान लो कि ए और बी को पहले, ए और बी को रनिंग करा रहे हैं, तो ए बी, अगर ए कंप्लीट 100 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना हो जाएगा, 80, राइट, ओके। अब दूसरी कंडीशन आ गई कि बी सी को हरा रहा है, तो बी पहले, बी अब की बार 100 मीटर दौड़ेगा, सी कितना दौड़ेगा, 80 दौड़ेगा। ठीक है, समझ गए, इनका ले लो रेशियो। तो रेशियो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी को कट कर दो, ये आपका 20 पंजे 20 चौके। ठीक है, 20 पंजे 20 चौके। तो सिंपल बनाने के लिए ये रेशियो लिया गया है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। तो यहाँ पर 5 रख दो कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर 4 रख दो। ठीक है, बोला कि ए और सी में कितने डिस्टेंस की दूरी रह जाएगी, तो यहां से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 25, यहां पर 16। कितने की डिस्टेंस है, 9 की, या डिफरेंस कितने का, 9 का। तो ये 25 कितने बराबर, ए तो कंप्लीट दौड़ कर रहा, तो ये आपका कितने बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो क्या क्या होगा, 25 × 4, ये तो क्या होगा, अगर हम इस तरफ गए तो 25 × 4, तो इसमें बीच गुना 4 कर दो, तो यहाँ पर 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, रेशियो से ही सॉल्व कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे तो बोला कि वन मैन या फिर दो वोमेन या फिर 4 बॉयज या फिर 5 गर्ल्स किसी काम को 39 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है,
कुछ नहीं बोला कि अगर एक मैन होगा ठीक है रेशियो ले लो, या फिर दो वो मैन होगी रेशियो नहीं यहाँ तो और है ना, तो ये ले लो चार बॉयज होंगे या फिर पांच गर्ल्स होंगी, जो कि कितने ये मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन में 39 डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क, ठीक है ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को बराबर रख लेता हूँ, ठीक है बराबर रख लें। बराबर रखने के लिए क्या करूंगा, मैं एक दो चार और पांच का एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 20। अगर मैं कंप्लीट 20 करूँ, अगर मैं कंप्लीट 20 करूँ तो एक तो यहाँ पर मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक गुना एम करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगी, ठीक है दो गुना डब्लू मतलब या ये भी आपका 20 है, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा अगर एलसीएम सोल्व किया तो आपने, तो वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो गुना 20 बनाने के लिए डब्ल्यू की वैल्यू 10 रख देंगे, चार गुना 20 वैल्यू बनाने के लिए क्या रख देंगे 5 रख देंगे, और 5 गुना क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो एम 20 डब्ल्यू 10 बी 5 और जी आपका 4, ये आपकी क्या आई एम डब्ल्यू बी जी की एफिशिएंसी आई, ठीक है कार्य क्षमता आई है यहाँ से, ठीक है एलसीएम सॉल्व करने से। बोला कि देन तो बताओ, तो मतलब टोटल काम हमने कितने माने 20, लेकिन 20 काम है उन सॉरी तो टोटल एफिशिएंसी 20 है लेकिन काम कितने दिन चलेगा 39 दिन, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 20 गुना 39 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क आ चुका है यहाँ पर, ठीक है डिवाइड करेंगे तो बोला है कि हाउ मेनी दिन कितने दिन मतलब टोटल काम में से दिन फाइंड आउट करने हैं, तो एक आदमी एक औरत एक बॉय और एक लड़का, तो एक और एक आदमी तो 20 मतलब ये सभी मिला के टूगेदर मिला के कितना काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 20 20 और 10 30 मतलब इन सभी का सम करना है 30 और 5 35 और 4 39, तो 39 से डिवाइड कर दो 39 से 39 कट गया तो आपका 20 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि वैल्यू ऑफ कोट 15, 25, 45, 75, 65, तो ये वैल्यूज बतानी है। तो आप देखोगे कोट की कोई दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है तो 45 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इनटू इनटू, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको कि देखो जो आपका कोट 75 है वो कितने के बराबर मान लेता हूँ मैं 10, 15 के बराबर, ठीक है क्यों मानना, क्योंकि मैंने कभी हम आपको याद होगा कोट थीटा और 10 थीटा कितना होता है, हमेशा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है राइट, और थीटा की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से कोट 15 और यहाँ पे हमने 10, 15 कर दिया, ठीक है तो कोट 15 और 10, 15 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। कोट 25 और कोट 65 को मैं क्या लिख दूंगा 10, 25 लिख दूं, क्योंकि एंगल तो सेम लेना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर 1 हो जाएगी, तो कितना आंसर आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि ट्रायंगल इतना है क्यू इतना है राइट एंगल, कोट पी की वैल्यू √3 है तो साइन पी की, देखो यह सिंपल सा चीज दे रखी है कोट पी की वैल्यू कितनी है √3, तो पी कितना होगा सॉरी पी आपका 30 होगा, ठीक है तो sin 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इतना है, अगर डिवाइड करने के बाद बड़ी संख्या सॉरी बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से तो हमें 6 क्वोशेंट मिलेगा और 90 रिमाइंडर मिलेगा, ओके तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, यहाँ पे बोला कि ए अगर बड़ा है और बी छोटा है तो ये हो जाएगा 64, 1564, और अब बोला है कि जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या उसको डिवाइड करेंगे किससे बी से, ठीक है तो हमें क्या मिला 6 तो क्वेश्चन मिला और रिमाइंडर जो होता वो नीचे होता है राइट, तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू जो यहाँ आ जाएगी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6b और ये आपका प्लस हो जाएगा 19, तो 6b+19 हो जाएगा राइट, और हमें क्या निकालनी समोलर नंबर निकालनी, तो यहां पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है यहां पर पुट करेंगे तो 6b
प्लस 19 माइनस बी इज इक्वल टू 1564, तो ये आपका 5b हो जाएगा और 19 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से 19 गया 45 और 15, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 309। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि a प्लस बी प्लस सी कितनी है, a स्क्वायर प्लस b। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा, सीधा फार्मूला पूछ लिया इसने कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये फार्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस और आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट तो यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर 11, तो सॉल्व कर दो, 6 × 3 = 18। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड था क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद था तो ये आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल कितना है, ओके, पॉइंट पी से जो दूरी है सेंटर की 17 सेंटीमीटर है और रेडियस हमें निकालनी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिपलेट यूज किया गया है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और तीसरी साइड कौन सी होती है, 8 होती है, तो 8 सीधा आप राइट आंसर निकाल सकते थे। अब यहाँ पर देखो कि एक टेंजेंट दिया हुआ 15 सेंटीमीटर का, राइट, इसको मैं सीधा ले लेता हूँ, एक टेंजेंट दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और ये को पॉइंट है पी और यहां से सेंटर की दूरी कितनी है 17, राइट, और ये हमें बताना है, रेडियस हमें बतानी है। ठीक है, तो ये आपके 8 हो जाएगी। कैलकुलेशन करके देख लेना बेसिक से, ओके, कि ये आपको कैलकुलेशन करना, 17² - 15² क्या वैल्यू देगा इसका स्क्वायर रूट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर 24 है तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, 24 और एक इसके अंदर क्या है रेडियस सर्कल है, सॉरी इसके अंदर क्या है सर्कल, तो ये हमें फाइंड आउट करना है यहां ये वैल्यू। ठीक है, ओके, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे हो गई ये फाइंड आपकी, एक मिनट मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ, ये रेडियस है तो रेडियस जो इसकी निकलती है वो कैसे निकलती है, जो साइड होती है ए अपॉन में 2√3, हाँ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन जो सर्कल अंदर होता है उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 24/2√3, 2 से आपका 12 चला जाएगा और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, राइट, तो 12√3 ऊपर नीचे 3, तो 3 से ये कट करोगे 4/4√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या कोई से ऑप्शन में भी नहीं है, तो भाई क्या करे इसका, तो इसको एक तरीका और देखें सॉल्व करके, अगर मैं इसको पूरी लेंथ बना देता हूं तो ये पूरा 3 आपका 2:1 में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 है, ये आपका 12, ये आपका 24, ठीक, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो आप 12² = 144, 2, 3, 4, 3² = 9, नहीं भाई कोई वैल्यू नहीं आने वाली, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप किसी तरह से सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके, तो 4√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन शायद इसके सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है वो क्या कह रहा है, 5 टाइम ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, इसकी हाइट की 5 गुना है, तो हाइट बोला कि 3.5 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो
देखो मैं इसको सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ इस टाइप पे करने को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है राइट, और पाई की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर 22/7 होती है राइट, और 22 किस किस से मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है राइट। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला में सॉरी आंसर्स में जो 11 का डिविजिबल है वो चेक करना है, तो 11 का डिविजिबल फर्स्ट तो शायद हो जाएगा, सेकंड चेक कर लेते हैं, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 8 और 10, 8 और 2 10, और 10 और 5 15, 17 में से 15 आ गई, क्या 0 आया, क्या 11 आया, नहीं आया, तो ये ऑप्शन हो गया। 3 और 4 3 और 4 7, 7 और 7 14 ठीक है, 1 और 6 7, 7 में से 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 14 माइनस 12 माइनस सॉरी 2 आया, और 2 भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 4 और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 गए तो 7, ये भी आपका डिविजिबल नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 7 16, और 3 और 8 11, 11 और 8 5, 16, 16 माइनस 16 गया 0, तो ये 11 का डिविजिबल में आ जाएगा ठीक है। बेसिक सा सॉल्यूशन बताया बहुत अच्छे तरीके से, तो इतना सॉल्व करने के बाद सीधा वैल्यू आप क्वेश्चन को सॉल्व प्रैक्टिस वो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ही मत करो, तो अगर कैलकुलेशन करनी है तो आर की वैल्यू 5, एच है, एच की वैल्यू कितनी है 3.5 ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो 5 गुना 3.5, 1 आर ये हो गया, दूसरा आर कितना हो जाएगा 5 गुना 3.5 और गुना 22/7 ठीक है, ये सॉल्व करना आपको, कर लो कितना ज्यादा सॉल्व करोगे आप ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, 7/2 कर लेते हैं इसको ठीक है, क्योंकि 3.5 तो 7/2 भी तो होगा राइट, 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 5 कितने हैं 2, 25 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, 2 से आपका 11, 7 से ये 7 गया राइट। और अब आप इसको कैलकुलेशन करके देख लो, 49 × 11 कितना हो जाएगा 9, 3, 5 ठीक है, 539/4 × 25 कैलकुलेशन करके देख लो, 25 से तो कर दूंगा, तो ये आपका कितने पे जाएगा 1 और 1 और आपका 133 पे, 194 पे और 307/5 पे ठीक है। बस इसका सॉल्यूशन करना, 75 × 5 कितना होता है 125 होता है, 75 × 7 कितना होता है 75 × 7 कितना होता है 175, 175 में 12 और ऐड करना 187/7 18 रह गया, 100 18 रह गया, तो 100 + 8 108 10 रह गया, 25 × 3 75, 25 × 3 75 और 10 85 5 आ गया सॉरी कितना 25 18 था ना, 1 8 आया तो 11 रह गया भाई ठीक है, 6 आएगा 86 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 8 कितना होता है 33, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि एक इलेक्शन हुए हैं दो कैंडिडेट के बीच में, 12% वोटर जो है वो गिने ही नहीं गए, द विनर जो विनर है वो 68% वोट ले रहा है टोटल वोट की, और अपने कंटेस्टेंट को इतने वोटों से हरा देता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी होगी ठीक है इलेक्शन में। अब आप चेक करो क्या कि अगर 100% वोट हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे ठीक है, विनर को कितने मिले टोटल वोट में से ठीक है 68 राइट, और टोटल वोट में से 12 12 वोट तो क्या होगी खराब होगी ठीक है, 12 वोट तो क्या होगी खराब हो गए, तो 12 वोट यहां से माइनस कर लो एक बार, नहीं इधर माइनस कर लो ठीक है ओके, और 100 में से 12 गया कितना हो गया 88, 88 68 है, 68 कितना बचा 20 बचा, 20 वोट और बचे ठीक है,
अब आप समझो कि 12% वोट तो क्या हो गिने ही नहीं गई, और जीतने वाला 68% टोटल वोट का 68% ले गया, मतलब उसके सारे की सारी वोट गिनी गई है। अब जो जो बची उनमें से 12% वोट नहीं गिनी गई, बचा कितना 20%, राइट। तो यहाँ पर लूजर है और इस साइड विनर, तो यहाँ से डिफरेंस चेक कर लो 48 का, 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2880 दे रखी है, राइट। क्या क्वेश्चन बोला है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर वो कास्ट जो गिने गई है, 100 में से 12% नहीं गिने गई, कितनी गिने गई है 88%। तो यहाँ से 48 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, ये शायद 48 6 के 6 8 है, 48 6 24 और 28, ठीक है, 60, 1 की वैल्यू 60 पे। तो 88 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 88 गुना 60 कर देंगे, तो 0, 8 6 48 और 8 6 48 और 4 52, तो 5280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो चुकी है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।